नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बुधवार 26 मई वेबिनार अपडेट के अंदर आपके लिए हम जल्द मेंथा ऑयल के ऊपर एक वेबिनार आयोजन कर रहे हैं। इस वेबिनार के अंदर हम फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही तौर पे हम देखेंगे कि मेंथा का आने वाले टाइम पे क्या प्राइस मूव रहेगा। जिस ढंग से इंडियन मार्केट में अनलॉकडाउन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मेंथा के कंजम्पशन को बढ़ाएगा, जबकि आने वाली फसल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर हमने करीबन 0.5% की तेजी आती हुई देखी। एकाएक कल इवनिंग सेशन में जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी, क्योंकि फियर ऑफ इन्फ्लेशन अभी भी बना हुआ है और कल के जो कमेंट्स थे फेड रिजर्व के, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते कल हमने गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ी तेजी बनती हुई देखी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 15,250 के ऊपर एमसीएक्स बुलडेक्स में अच्छा ब्रेकआउट आया है, जो 15,500 तक का लेवल दिखा सकता है। टेक्निकली इंटरनेशनल में भी गोल्ड ने $1,900 तोड़ चुकी है और चांदी $28 का लेवल तोड़ चुका है, जिसके चलते हमें लगता है एमसीएक्स बुलडेक्स में आज का ट्रेड पॉजिटिव रहेगा। वहीं कल के सेशन में गोल्ड में शॉर्ट कवरिंग और चांदी में फ्रेश बाइंग आई है। एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है जो 72,100 के ऊपर काउंटर को काफी स्ट्रेंथ देता है, जो 74,500 तक का लेवल दिखा सकता है। और गोल्ड में कल हमने 48,850 के ऊपर की क्लोजिंग दी थी। मैंने पहले भी कहा था आपको कि 48,850 के ऊपर जब तक गोल्ड नहीं निकलता है, हम एक दायरे में एक ट्रेड होते हुए देखेंगे, और बिल्कुल एक हफ्ता हो गया था कि हम 48,150 के नीचे नहीं जा पा रहे थे और 48,850 के ऊपर नहीं जा पा रहे थे। जैसे ही प्राइजेस 48,850 के ऊपर निकला है, बिल्कुल बाय करके चलिए। 49,200 से 49,500 का लेवल अगले 7 से 10 दिन में हमें मिलने चाहिए। वहीं चांदी 74,000 का लेवल नॉक करना चाहिए। क्रूड में क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। क्रूड में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि प्राइजेस 4900 के करीब जाती जरूर है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है। वहीं 4700 के नीचे जाता जरूर है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो एज ऑफ नाउ ट्रेड सेटअप क्लियर नहीं है, तो बेटर क्रूड में वेट कीजिए, बट 4850 का रेंज बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ईरान को लेकर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि अगर ईरान पे सेंक्शंस कम होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पार्टिसिपेट बढ़ेगा और ये प्राइजेस के लिए नेगेटिव रहेगा। वहीं नेचुरल गैस के अंदर 2 दिन की गिरावट के बाद कल प्राइजेस संभलता हुआ दिखाई दिया, बट 220 के नीचे काउंटर वीक है। हार्मोनिक पैटर्न भी दिखा रहा है कि 212 से 209 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं बेस मेटल के अंदर कल हमने साइन ऑफ रिकवरी देखी है जिंक और लेड से। जिस ढंग से चाइना ने खास करके प्रेशर रखा है कि कमोडिटी के भाव में जो तेजी आई है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डिरेल कर सकती है, तो जो स्टेप्स चाइना ने लिए उसकी वजह से हमने ये गिरावट देखी है, बट अभी भी फंडामेंटल काफी मजबूत है। कॉपर पे ध्यान रखिए, क्योंकि एक माइन में स्ट्राइक हो सकती है, जिसके चलते प्राइजेस को एक सपोर्ट आने वाले दिनों में मिल सकता है। एलएमईपी की आज बात करें तो कॉपर, जिंक, निकल सभी पॉजिटिव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को छोड़कर। टेक्निकली अगर गोल्ड की बात करें तो $1,900 के ऊपर 1928 के लिए लेके चलिए, 1880 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी $28 के ऊपर स्ट्रांग है, जो 2880 से $29 तक का लेवल दिखा सकती है। WTI एंड ब्रेंट क्रूड में वेट एंड वॉच रखिए। नेचुरल गैस दिन के सेशन में अगर तेज होता है तो बेच के चलना है। 220 के ऊपर काउंटर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विक्स में ड्रॉप है और डॉलर इंडेक्स 89.60 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं कमोडिटी को सपोर्ट करेगा। आज डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज FOMC की स्पीच रहेगी और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री रहेगी, जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। चार्टिकली MCX बुलडेक्स में आज पॉजिटिवनेस रहेगी, जो 15,300 का लेवल तोड़ के 15,500 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं गोल्ड की अगर बात करें तो 48,850 के ऊपर 49,200 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। क्रूड ऑयल वेट एंड वॉच रखिए, 48,80 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, इसके नीचे ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निकल के अंदर प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जो 1270 का है। प्राइजेस 1240 के ऊपर स्ट्रांग दिखाई देता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।